हमारे साथ ज्योति राजौरे जी मौजूद हैं, जो एमपीपीएससी में 10th रैंक हासिल की है, मध्य प्रदेश ही नहीं अपने भोपाल शहर का भी नाम रोशन किया है। उन्हीं से जान लेते हैं कि सफलता का क्या मंत्र रहा, किसे चुनौतियों को पार किया है, क्योंकि कहा जाता है कि सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है लोहे के चने चबाने की तरह होती है, और आपके साथ तो एक चीज़ ये कि परिवार भी है, क्योंकि आप मैरिज भी हैं तो आपके बेटे को भी देखना है, घर परिवार को भी देखना है, और परिवार आपके पढ़ाई को भी देखना है। तो कैसी रही चुनौतियों और इससे कैसे सामना किया आपने? मुझे लगता है कि किसी विषय में हम अगर उसकी अच्छाइयों को देखें तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मैंने अपनी पारिवारिक दायित्वों को चुनौतीपूर्ण ना लेकर उन्हें एक मोटिवेशन के तौर पर लिया कि नहीं, ये जो मेरा परिवार है ये मुझे सहयोग करेगा तैयारी में, तो यही मेरा फोकस था। परिवार का लगातार सहयोग बना रहा जिससे मैं अपनी तैयारी को लगातार कंटिन्यू कर पाई, एक कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ती रही, और बस यही सफलता का मंत्र है। इसके अलावा देखें तो घर की जिम्मेदारियां भी हैं, घर एक बहू है तो घर के काम भी करने होते हैं, इसी के साथ पढ़ाई करनी है, और पढ़ाई भी वो कि जो जिसको बहुत मुश्किल कहा जाता है, ऐसे में टाइम मैनेजमेंट कैसे किया आपने? सबसे ज़्यादा तो यही इस बात पर चर्चा रहती है। जी जी, अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता था मैं प्रयास करती थी कि मैं जल्दी से खाने वानी जो भी मेरे कार्य हैं उनसे फ्री हो जाऊँ, उसके बाद मेरे पास पूरा दिन होता था, दिन में मेरे फैमिली मेम्बर्स मुझे डिस्टर्ब नहीं करते थे, और शाम में अगर मुझे होता था तो मम्मी मदद कर देती थी, और एग्जाम टाइम में तो मेरा परिवार पूरा सपोर्ट देता था। मतलब आप बताती हैं कि एक समय में दो काम करके भी आप टाइम को अपने रूटीन में सेट। कई बार ऐसा होता है कि आपको और भी काम करने हैं, पढ़ना भी है लेकिन घर के भी काम है, क्योंकि मैं इकलौती बहू हूँ, मेरे हस्बैंड सिंगल सन है, तो मैंने कई बार ऐसे प्रयास किए कि खाना भी बन जाए और कपड़े भी धुल जाए साथ में, तो मैं दो काम हमेशा एक साथ करती थी। खाना बनाते समय हेडफोन रहता था ताकि मैं करंट की न्यूज़ वगैरह पढ़ सकूं या कोई टॉपिक समझ सकूं, तो ये मैंने इस प्रकार से समय प्रबंधन किया। इसके अलावा देखिए आज का डिजिटल युग है, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, ऐसे में आप सोशल मीडिया का कैसे इस्तेमाल करती थी इस समय? पढ़ाई भी सोशल मीडिया भी? जी, सोशल मीडिया में मैं इंस्टाग्राम नहीं चलाती, फेसबुक भी मेरा अनइंस्टॉल ही है एग्जाम टाइम में तो मोस्टली, लेकिन हाँ जब एग्जाम से थोड़ा फ्री हो जाती थी तो मैं उसको ज़रूर चलाती थी, क्योंकि वो भी एक लाइफ का पार्ट है, अगर आप उससे नहीं जुड़ते तो आप अवेयर कैसे हो पाएंगे लोगों से और समाज से। तो हर चीज़ का महत्व है, और चूंकि इंटरनेट बहुत महत्वपूर्ण है, सारा कंटेंट हमें वहीं मिलता है, तो मैंने भरपूर प्रयोग किया इंटरनेट का। इसके अलावा एक चीज़ मन में लोगों के भी ये भी आती है, जो आपकी तरह मतलब जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, कि वो कोचिंग कैसे लेते हैं, और या उसके अलावा फिर पढ़ाई के लिए कितना समय निकालते हैं, क्या करते हैं, तो आप कैसे करते थे? कोचिंग लेकर आपने पढ़ाई की इसकी, या फिर घर पर ही आपने ज़्यादा फोकस किया? शुरुआत में मैंने गाइडेंस के तौर पर कोचिंग ली कुछ समय के लिए, उसके पश्चात मैंने पृष्ठभूमि को समझा और मैं सेल्फ स्टडी कर दी थी। इनफैक्ट मेंस के टाइम पे मेरी 12-12 घंटे की जो सिटिंग होती थी वो घर पे ही होती थी, घर वालों ने मेरे लिए एक स्टडी रूम ऊपर बनाया है तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, बस ये रहा कि मैं पहले आपका एम था कि आप एमपीपीएससी के में ही मतलब जाएंगी, सिविल सर्विसेज में ही जाएंगी, या फिर इसके अलावा कुछ और उद्देश्य था कि जैसे आपने कहा कि पहले आप डॉक्टर भी रह चुकी हैं? जी जी, मैंने बीएचएमएस किया है और मैंने कुछ समय प्राइवेट जॉब भी किया था कॉलेज में टीचिंग के लिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए, परंतु एक फ्रेंड से मुलाकात हुई और पापा भी कई समय से मोटिवेट करते थे, फादर इन लॉ, कि नहीं आपको पीएससी करना चाहिए, पीएससी करना चाहिए, तो फिर तभी से बस रुझान रहा। फिर जब बेटे की एक एज आ गई कि वो अब अपने आप को संभाल सकता है 3 से 4 वर्ष का होने के बाद, फिर मैंने तैयारी शुरू की। अच्छा, इसके अलावा जैसे आपने कहा परिवार की जिम्मेदारियाँ भी हैं, पढ़ाई भी है, और जाहिर सी बात है कि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आप संभालती थी। इसके अलावा देखें हम पढ़ाई इसी तनाव को दूर करने के लिए क्या कुछ करती थी, योगा या फिर वॉक करती थी, जिम करती थी, कुछ और भी चीज़ें जानना चाहेंगे? जी, मैंने योगा का सहारा लिया, जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं रिफ्रेश नहीं हो पा रही हूँ तो फिर मैं सुबह में 15 मिनट के लिए अपना समय देती थी योग के लिए, योग मेरी हॉबी भी रही है तो मैंने योग पे काम किया। अब क्या रहेगा आगे, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, एक बड़ी सफलता के साथ जिम्मेदारी भी रहती है, इसको किस तरह से निर्वाहन करेंगी, और क्या कुछ सोचा है कि जब आप पद पर पहुंचेंगी, जब आप ग्रहण करेंगी आपका पद, तो उसके बाद क्या कुछ करेंगे लोगों के लिए? शासन के द्वारा जो जिम्मेदारियाँ मुझे दी जाएंगी उनका मैं निष्ठा से पालन करूँगी, उसके साथ साथ ही मुझे लगता है कि मेरे द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर मेरी सर्विस मिले, लाभ मिले, तो उनके उज्जवल भविष्य के लिए कार्य करूँगे। अच्छा, एक आखिरी बात ये कि और भी कई ऐसे छात्र हैं जो अभी भी तैयारी कर रहे हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि कंसिस्टेंसी बनाए रखें और साथ ही साथ अपने आप को मोटिवेटेड रखें, परिवार का सहयोग लें
और लगातार परिश्रम करें, सफलता जरूर मिलती है। बहुत धन्यवाद। ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, MPPSC में 10th रैंक हासिल की है। इन्होंने पूरी सफलता के मंत्र को बताया कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट किया है, किस तरह से अपने पढ़ाई पर फोकस किया और आज जो है एक सपने को साकार भी किया है और अब समाज सेवा के क्षेत्र में भी वो काम करेंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक बड़ी जिम्मेदारी बड़ी सफलता के साथ मिली है, तो उसको बेहतर तरीके से किस तरह से निर्वहन किया जा सके, क्योंकि एक परिवार की जिम्मेदारी के साथ साथ एक MPPSC को क्लियर करना भी एक बड़ी बात है। तो अब जो भी जिम्मेदारी सरकार देगी उसको बखूबी निभाएंगी और लोगों के किस तरह से काम आ सके ये भी उन करने की बात कही। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।